वेलकम व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि वेल्डिंग प्रोसेस और वेल्डेड जॉइंट को डिजाइन करने के लिए हम लोग किन किन फैक्टर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे कि कंपोनेंट या स्ट्रक्चर जो वेल्ड कर रहे हैं उसके कॉन्फ़िगरेशन पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, उनका थिकनेस, उनका साइज। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है सर्विस रिक्वायर्ड। ठीक है, जैसे कि है कि लोडिंग का टाइप क्या है, स्ट्रेस जनरेटेड किस टाइप का हो रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है उस पर हम लोग डिजाइन करने से पहले कंसीडर करते हैं। जैसे आगे हम देख सकते हैं कि लोकेशन, एसेसिबिलिटी, ईज ऑफ वेल्डिंग, ये सारे टर्म जो है इस पर कंसीडर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द इफेक्ट ऑफ डिस्टॉर्शन, ठीक है, एप्रियंस, कॉस्ट। हाँ, कॉस्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कॉस्ट आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये मिनिमाइज हो, तभी हमारा प्रोजेक्ट जो है या मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ऑप्टिमाइज होगा। ऑप्टिमाइजेशन का अर्थ है कि कॉस्ट अगर रिड्यूस करेंगे, ठीक है, मिनिमाइज करेंगे, तभी हमारे प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होगी। इसलिए कॉस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। तो कॉस्ट जो इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे कि एज पेनिट्रेशन में, वेल्डिंग में, पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ वेल्डिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे कि वेल्डिंग के बाद जैसे हम करते हैं कि मशीनिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये सारी प्रोसेस पे कॉस्ट कितना इन्वॉल्व हो रहा है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। वेल्ड शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू बेंडिंग। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कंपोनेंट है, ठीक है, कंपोनेंट को हम लोग वेल्ड यहाँ कर रहे हैं, फोर्स सप्लाई इस पार्ट पे हो रहा है और हम लोग वेल्ड इस पर कर रहे हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कंपोनेंट है जहाँ पर फोर्स अप्लाई यहाँ हो रहा है, ठीक है, और हम लोग वेल्डिंग इस वाले पार्ट्स पे कर रहे हैं, तो कौन गुड है और कौन बैड डिज़ाइन है। आप ऑब्वियसली देखोगे कि ये जो डिज़ाइन है वो बैड है। क्यों बैड है? क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करो, ज्वाइंट तो आपने यहाँ किया है, तो ये चांस है यहाँ पर बैंड होने का। लेकिन अगर हम इस तरह से ज्वाइंट है, ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर बैंडिंग का जो चांस है वो उसकी पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है, नेग्लिजिबल तो नहीं कह सकते, पॉसिबिलिटी उसकी रिड्यूस है यानी कम है, तो ये आपका गुड डिज़ाइन होगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वेल्डिंग करने के लिए हमें डिजाइन की गाइडलाइन क्या क्या फॉलो करनी होगी, ठीक है, ये तो कंसिडरेशन है इतने सारे पॉइंट्स पे। अब हम लोग गाइडलाइन फॉलो करेंगे, जैसे यहां पर आप देख रहे हो, ठीक है, डिजाइन गाइडलाइन इन वेल्डिंग। प्रोडक्ट डिजाइन जो होना चाहिए उसमें ये ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ वेल्ड्स है वो मिनिमम हो। वेल्डिंग से पहले, ठीक है, कंपोनेंट्स जो है जिस पार्ट्स को आप वेल्ड करने जा रहे हो, ठीक है, उस पार्ट्स का फिटिंग होना प्रॉपरली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब है कि हम जो एज पेनिट्रेशन के लिए जो कर रहे हैं, ठीक है, डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए एज पेनिट्रेशन। ऐसा डिजाइन हम लोग को सेलेक्ट करना चाहिए कि उसका एज पेनिट्रेशन मिनिमम हो। अब वेल्ड बीट साइज, ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अगर मिनिमम होता है तो इससे क्या हुआ कि वेल्ड मेटल जो है वो कंजर्व होगा। अगर ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, तो वेल्ड मेटल्स क्या होगा, कंजर्व नहीं होगा, वो ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करोगे, वेल्ड बीट फॉर्म होने के बाद उसे मशीनिंग करके उसे आप रिमूव कर देते हो, दैट मीन्स क्या हुआ कि मटेरियल्स हमारा वेस्ट जा रहा है मशीनिंग के थ्रू चिप के फॉर्म में। जैसे कि वेल्ड लोकेशन है, ठीक है, वेल्ड लोकेशन जो है वो आप लोकेट हो रहा है इंटरफेस पे, वो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर इंटरफेस पे वेल्ड लोकेशन लोकेट हो रहा है तो नेक्स्ट प्रोसेस जैसे कि मशीनिंग और फिनिशिंग हम कहेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले कॉस्ट जो है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिकल पॉइंट से ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब हमारे लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। अब जैसे कि यहाँ पर है कि जो
विल्ड का जो इंड होना चाहिए ठीक है वो आपका इक्वल थिकनेस का होना चाहिए। और ज़्यादातर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो लैप ज्वाइंट होता है उसको अवॉइड करें, यूज ज़्यादा करें बट वेल्ड का। बट वेल्डिंग जो होता है वो कंपेरिजन विद तो लैप ज्वाइंट के कंपेरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब यह कि प्रोवाइड फॉर इजी एसेस टू वेल्ड शो दैट दे आर एसेसेबल फॉर इंस्पेक्शन। अब जैसे कि ठीक है हम वेल्डिंग करने जा रहे हैं, वेल्डिंग करने में हीट की कितनी आवश्यकता होगी, कितनी हमें हीट इनपुट देना है, इफिशियंसी उसकी क्या होगी, इन सारे चीज़ों पे भी डिजाइन करने से पहले कंसिडर करना होता है। अब जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हीट इनपुट ओके। अब इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल क्या है कि हम वहाँ से पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं, बी इक्वल टू बी आई ठीक है। बी क्या है हमारा पोटेंशियल ऑफ द पावर सोर्स है और आई करेंट इन एम्पियर ओके। अब हीट इनपुट हम कितना ऐड करेंगे तो इसका बाय फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू इफिशियंसी ऑफ द हीट इनपुट ठीक है। टी यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ऐड की, आप इसे आई भी कर सकते हो ही, तो इनपुट आई फॉर इनपुट या टी फॉर ट्रांसफर। अब जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेल्टिंग इफिशियंसी फाइंड आउट कर रहे हैं, मेल्टिंग इफिशियंसी फाइंड आउट करने के लिए क्या है एच एम बाय एच आई। अब ये एच एम क्या है, मेल्टिंग के लिए हीट की कितनी रिक्वायरमेंट होगी ठीक है वो एच एम है, जबकि एच आई क्या है हीट आप कितना इनपुट कर रहे हो, दोनों डिफरेंस है ठीक है। तो एच एम को हम कैलकुलेट अगर करते हैं तो किस तरह से करेंगे एच एम को ठीक है, एच एम इज इक्वल टू होगा हीट नीडेड टू मेल्ट ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ वर्क पीस इंटू वॉल्यूम ऑफ वर्क पीस मेल्टेड फॉर यूनिट टाइम ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे मेल्टिंग इफिशियंसी। और यही अगर रेसिस्टेंस वेल्डिंग है तो वहां पर हीट का फॉर्मूला क्या हो जाए, क्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर है जो कि वेल्डिंग प्रोसेस को डिजाइन करने से पहले हम लोग कंसीडर करते हैं ओके। थैंक यू।